नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षाधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 को लेकर है। खंड शिक्षाधिकारी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। कई उत्तरों पर अभ्यर्थियों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थी जवाब से संतुष्ट नहीं है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर 24 अगस्त तक उत्तर कुंजी रहेगी, जबकि अभ्यर्थियों से आपत्ति 25 अगस्त 2020 की शाम 5 बजे तक ली जाएगी। अभ्यर्थियों को साक्ष्य सहित बंद लिफाफे में अपना प्रत्यावेदन डाक अथवा आयोग के काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से आकर देना होगा, तभी यह मान्य होगा। मैं आप सभी को बता दूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षाधिकारी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के 48 घंटे बाद उसकी उत्तर कुंजी जारी करके सबको चौंका दिया है। रविवार को प्रदेश के 18 जिलों में 1127 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई थी। उसके एक दिन बाद मंगलवार शाम उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी करके अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी गई है। हालांकि अभ्यर्थियों की नज़र में उत्तर कुंजी में कुछ खामियाँ हैं, वह कई उत्तर विकल्प से संतुष्ट नहीं हैं। वह आपत्ति दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। किन किन प्रश्नों पर आपत्ति है मैं आपसे बताना चाहता हूं। अभ्यर्थियों ने उत्तर कुंजी के 10 प्रश्नों में दिए गए विकल्प पर आपत्ति जताई है। प्रश्न संख्या 36 का विकल्प आयोग ने दिया है, जिसे अभ्यर्थी गलत बता रहे हैं, जबकि प्रश्न संख्या 42 का विकल्प डी दिया गया है और सही ए बता रहे हैं। इसी प्रकार से 48 में बी है, सही ए है। 49 में सी है, सही ए है। 61 में डी है, सही ए है। 60 में बी है, सही डी है। 68 में ए है, सही बी है। 79 में ए है, सही सी है। 86 में सी है, सही ए है। और प्रश्न संख्या 92 में विकल्प सी को अभ्यर्थी गलत बता रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं, अगर 10 प्रश्नों पर आपत्तियां की जाती हैं और विशेषज्ञ की टीम बैठती है, अगर विशेषज्ञों द्वारा यह कह दिया जाता है कि नहीं 4 से 5 प्रश्न गलत हैं और इस पर नंबर दिए जाएं, या 10 के 10 प्रश्न गलत हैं इस पर सभी को नंबर दिया जाए, तो आप मानकर चलिए कि मेरिट में बहुत बड़ा उलटफेर होगा। जो कटाप बताया गया है उससे विपरीत कटाप हो सकता है।